ज्यादा उच्चे जो थले बैठे हुए हैं। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस हमेशा समाजी तौर पर उन्हें मसायलों की गल करता है जड़ा कि वेले के वेले इंसान के इंसानियत वास्ते दुख पहुंचाते हैं। उन्होंने एक ये मसला भी है, शायद बिशप जॉन जोसेफ ने इस दूरों ही वेख लिया अपनी शौरी ताकत ने कि आने वाले दौर में इसका इस्तेमाल कला मजहबी नहीं रहेगा। तुसी वेख्या कि कुछ चिर वास्ते इसका इस्तेमाल मजहबी होया, फिर इसका इस्तेमाल समाजी तौर के उत्ते फिका वाइज शुरू होया और हुण इसका इस्तेमाल सियासी तौर पर शुरू हो गया। सो ये एक दुख की गल है कि असी अपने आने वाली नस्ल को इस कानून के मिसयूज तो किवें बचाना है। ये बहुत इंपोर्टेंट है कि आने वाला भविख साढ़े आने वाली नस्ल का फ्यूचर की होएगा इस कानून नाल चल के, और इसका मिसयूज जड़ा है जिवें पहले मजहबी फिका वाइज और हुण सियासी तौर पर शुरू हो गया है, शायद ये बहुत ज्यादा होर ज्यादा लाएगा। सो इस तो पहला कि साढ़े समाज नू ए होर नुकसान पहुंचाए, मैं उन्हां साहिब इख्तियार नू कहांगा कि इस नू एक बारी इसका फिर जायजा लैण, इसका मिसयूज किवें रुकिया जावे और ये जड़ा कानून है जड़ा इंसानियत के खिलाफ वरत्या जा रहा है इसनों किवें रोकया जाए। सो आखिर विच मैं यही गल कहांगा क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है कि किंज मारेगा कोई सानू, किंज मारेगा कोई सानू, असी खुशबू हाँ हवावां च खिलर जावांगे, कौन रोकेगा साडे राहां नूं बड़ के हवा दे बुलबुले हवावां च बिखर जावांगे, तारिया संग लिखांगे, तारिया संग लिखांगे, बिशप जॉन जोसेफ खुद भी तारे बन के खिलर जावांगे, किंज मारेगा कोई सानू, असी खुशबू हाँ हवावां च खिलर जावांगे। बहुत शुक्रिया सेंटर फॉर जोसेफ दा। उन्हीं के फैज से बाजारे इश्क रोशन है जो गाहे गाहे जुनून इख्तियार करते हैं। अब मैं आखिर में बुलाना चाहूंगी राशिद रहमान के भाई अहमद रहमान को। राशिद रहमान वो वकील थे जिनको पता था कि इस चीज में कितना बड़ा रिस्क है, उनको बहुत से थ्रेट्स थे और जब उनको थ्रेट्स थे तो उनके दोस्तों ने साथियों ने कोशिश भी की कि वो थोड़ा साइड पे हो जाएं और अपनी जान की हिफाजत करें, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ब्लास्फेमी के विक्टिम को पूरी तरह से सपोर्ट किया। अहमद रहमान उनके बारे में बोलेंगे, अहमद रहमान आइए रहमान के बेटे हैं, अहमद रहमान खुद भी इस पूरी ह्यूमन राइट्स स्ट्रगल में पुरजोश हैं, हम वक्त मसरूफ हैं, अपना तमाम हिस्सा वो इस जिद्दोजहद में डालते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि अहमद राशिद रहमान के बारे में थोड़ी बात करें। तीन मिनट तो नहीं हो सकता। और राशिद रहमान साहब के बारे में तो हम डर के मैंने बात नहीं करते क्योंकि माशरा ऐसा बना दी है कि जहाँ पे बात करने से पहले आप सबको मालूम है कि क्या क्या हो जाता है, और अगर बात करें तो उसको समझने से पहले ही उसको मार दिया जाता है, बात करते वो कुछ और कह रहा था। लेकिन मैं एक पीटर साहब की नजर से विधायक साहब हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये सनसेट्स इन बन रही थी तो इसके उर्दू का तर्जुमा भी जो है वो कुर्बान का सबानी जिसका डिजाइन हम बना रहे थे हमारे आजाद आसिफ है कि
पीटर साहब के साथ और जहाँ साहब के साथ काम करते हैं। एक छोटी सी एक ख्याल है मेरे उस्ताद असद से मैंने, लेकिन इसमें कुछ चार जो लाइनें हैं मैंने आज रात को लिखी, क्योंकि अब जिक्र हमारा मेरे मान साहब से तो हमेशा कहते थे कि सोल्यूशन क्या है, इससे प्रॉब्लम को हाईलाइट करना जरूरी नहीं, लेकिन शुड गिव सम कंक्लूजन। छोटा सा नाम जरूर इसमें शामिल करना चाहूँगा, वो है आरिफ अकबर हुसैन भट्टी साहब का, जिनको शायद जिनकी से तस्वीर भी कहीं हमें मिलती है, हम कहीं पर नहीं घूम पाते। मुझे याद है कि 88 के इलेक्शन में उन्होंने दलीलाना तौर पर आज के नवाज शरीफ साहब का मुकाबला किया था, और मुझे ये भी थोड़ा सा याद है कि बिशप साहब जब आखिरी दफा तशरीफ लाए तो प्रैन 98 था ज्यादा, वो अभी बम में खड़ा था, तो वो उसमें वो उन्होंने आके फादर मानी भी बैठे थे, और जिस दिन भी वाक़ हुआ मैं और तबीर बात कर रहे थे कि नहीं लग रहा था उनकी कि ऐसा कोई स्टेप लेंगे, लेकिन बाहर उन्होंने जो किया, अब 24 साल बाद पता नहीं वो राशिद अमेरिकन हो गए अभी थोड़े से ही साल हुए, लेकिन मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हम जैसे अभी बिशप साहब ने कहा कि हम इंफरादी तौर पर चीज़ों को कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें मिलत बनाना पड़ेगा, मिलत को मिलत से मेरी बात आप समझ सकते हैं। इसकी बात कर एक छोटी सी बात सर आपकी वजह से शोगा के नाम रात में करबला गया देख कर बौखला गया, अभी भी रेत गर्म थी और सुर्ख लहू से गर्म थी, उस मौसम ने इंसान की शबी भी थी जो कि पूछती थी रात गुजर वो गुरबा हम हक की राह पर, क्या जमाना अब कुछ बदल गया है, क्या कोई आदमी इंसान में डल गया। उनके लिए सवाल के मैं क्या कहूं जवाब में कि हवा की बेटियां खामोश सीखों की बाजमश हैरत सदा दहशत सदा के जी रही हैं बेसरों का कि दंग नाते फिर रहे हैं वैश्यों के रहनुमा। ये आखिरी दो जो है मैंने मैंने कर रहा था उनकी कंक्लूजन पॉजिटिव करना था। चलो साथ मिलकर अहद करो हालात से अब लड़ पड़ो सो खामोश से नजुल को चलो उठो उठाओ अच्छी सजा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी हियर एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन एंड टू बी अ पार्ट ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू अ लेगेसी एज ग्रैंड as is what we discussed and witnessed today. May I start by on the what I've been asked to speak on is the drivers of intolerance in our society. वजाद साहब ने बात की कि ये जो बर्दाश्त है या ईदों की बर्दाश्त है, begin by it is the German Austrian philosopher Karl Popper, 20वीं सदी का बहुत बड़ा philosopher था, और उसका एक पैराडॉक्स था, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, और वो ये था अ टॉलरेंट सोसाइटी मस्ट बी इनटॉलरेंट टू आइडियोलॉजीज ऑफ इनटॉलरेंस, दैट इज द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, बिकॉज़ इफ अ सोसाइटी बिकम्स टॉलरेंट टू ग्रेट इनटॉलरेंस इट विल सीज टू रिमेन टॉलरेंट। तो पार्ट जो बात जो वजान साहब ने की दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, मेरी नजर में जो ओरिजिनल सिन हुआ है, आई डोंट वांट टू गो इनटू हिस्ट्री, आई डोंट प्रिटेंड टू बी हिस्टोरियन, कि हमारे दस्तूर में हमारे कानून में जो मसावी शहरियत का कॉन्सेप्ट था, जो मॉडर्न नेशन स्टेट की बुनियाद है इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, सबसे पहले एक अपोलॉजी से अपनी बात शुरू करूंगी, और वो ये है कि किसी भी मुल्क में अकलियतों के अदम तहफ्फुज के एहसास का मतलब ये है कि उस मुल्क की अक्सरियत अकलियतों को तहफ्फुज का एहसास दिलवाने में नाकाम रही है। सो आई अपोलोजाइज बीइंग द मेंबर फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि मैंने इसके तराजू के दूसरी तरफ जो है वो अपना हिस्सा डालने की कोशिश की, लेकिन हम इज्तमाई जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते। औरतों पर मजहबी
मुझे जो टॉपिक दिया गया था अंग्रेजी में ये था कि जेंडर फॉल आउट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे और सीजन लोग सामने बैठे हैं, किसी भी अमल का या फेल का औरतों पे और मर्दों पे जो है वो किस तरह से असरात मुरतब होंगे उसको भी जेंडर इम्पैक्ट कहते हैं। तो जब हम रिलीजियस इंटॉलरेंस के औरतों पे और वो भी माइनॉरिटी वेमेन पे असरात की बात करते हैं तो माइनॉरिटी वेमेन के साथ बहुत सारी इंटरसेक्शनैलिटीज चलती हैं। इस मुल्क में औरत होना मसावी शहरियत की बात नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी का ये मामला नहीं है, औरतें भी जो हम इक्वल सिटीजन नहीं है। आप बहुत सारे कवानीन, आप बहुत सारी पॉलिसीज उठा के देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मजमूई तौर पे औरतें जो है वो इक्वल सिटीजन नहीं है। अब आप आ जाए माइनॉरिटी वेमन में, वो इस मुल्क में औरत है और माइनॉरिटी से है तो उनकी जो है वो डबल जेपर्डी हो जाती है कि उनकी जो इंटरसेक्शनैलिटी है और उसमें एक एलिमेंट आप क्लास का भी शामिल कर लें। अगर वो अपर क्लास अपर मिडिल क्लास की माइनॉरिटी वेमेन होगी तो उसका स्टेटस थोड़ा सा फर्क होगा, और अगर लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल ही गरीब घर से होगी तो उसका स्टेटस जो है वो फर्क होगा। इसके असरात हो क्या रहे हैं? देखिए, मैं जब ये स्क्रोल आउट कर रही थी चीज़ें ये देखने के लिए ये जो आज बात करनी है तो किन किन आस्पेक्ट्स पे हो सकती है, तो एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी जिसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में हर साल 1000 औरतें या बच्चियां कह रहे हैं आप जो है वो फोर्स्ड कन्वर्जन का शिकार होती हैं। कमीशन ने रिपोर्ट दी, 10 सिफारिशात दी। जस्टिस हमीदुद्दीन इकबाल हमीदुद्दीन साहब ने 10 सिफारिशात दी थी, एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फायदा क्या है? अगर हमें कमीशन बनाने हैं, एक्सरसाइज होनी है और फिर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, हमारा पुरजोर मुतालबा है कि वो कॉन्सेप्ट जिसको अबूरी इंसाफ कहा जाता है, जिसका मतलब सस्ता इंसाफ नहीं, जिसका मतलब नरम इंसाफ नहीं, जिसका मतलब यकीनी इंसाफ है और संगीन खिलाफ वर्जियाँ जो इंसानी हकूक की होती हैं उसके ऊपर मुकम्मल इंसाफ है, उसका इंतज़ाम किया जाए। और ख़ास तौर पर गोजरा कमीशन की, अदालती कमीशन की जो 10 सिफारिशात हैं उन पर एक कमेटी तश्कील की जाए जो अमल दरामद का काम करे। उसी तरह से जिस तरह से वन मैन कमीशन या सेबल कमीशन जब से बना है वो 2014 की जो जजमेंट थी मजहबी अकीदों के हकूक से मुताले कर और अकीदे की आज़ादी से मुताले कर अकीदों के हकूक के मुताले उस पर बेहतर काम हुआ है। इसी तरह से इदारा की तरफ से ये हमारी पुरजोर सिफारिश होगी, मुतालबा होगा कि इस पर अमल दरामद किया जाए। मेरे पास चंद एक बातें थी लेकिन याद जिंदा स्वागत बातें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मुझे पक्का यकीन है कि सारे दोस्त भी थक चुके, इसलिए मैं सिर्फ आपसे दो तीन बातें, जो इन्होंने सब्जेक्ट कहा है कि स्कोप ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब मैंने पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो मैंने कहा इससे बड़ा मजाक जो है वो पाकिस्तान की कौम के साथ नहीं हो सकता है कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो ना किसी अदालत में नजर आता है, ना किसी दफ्तर में नजर आता है, ना किसी असेंबली में नजर आता है। सो मैं तो ये कहूँगा कि बजाय जो दो मिनट मैंने आपसे ये बात करूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं कहता हूँ कि असल झगड़ा जो है वो मतलब रिलीजियस फ्रीडम जो है ये तो ओल्डेस्ट बेसिक राइट है, जब से इंसान पैदा हुए सबसे पहला लड़ा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और इसमें जो ह्यूमन राइट चार्टर 48 में यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली बनाया उसमें भी आर्टिकल 18 में इसका जिक्र है। सो
असल झगड़ा जो मैं समझो पाकिस्तान के सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 9 जो कहता है कि किसी की जान नहीं ली जा सकती बजाय सवाए जो पूरे कानून की छानबीन करके उसका जुर्म साबित हो जाए फिर जान। लेकिन ये वो बादशाह है जो ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है ना कानून को मानता है ना किसी जज को मानता है। ये एक इनटॉलरेंट सोसाइटी जो है ये बन चुकी है पर्टिकुलरली पोस्ट 77 मार्च बन चुकी है। और थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह पीटर जेकब साहब सेंटर फॉर सोशल जस्टिस आपकी स्टैब्लिश के लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। आशा जॉन फॉर लीडिंग अस दिस इवनिंग। वजाहत साहब से मेरी इनसे पहले मुलाकात थी। मैं अक्सर टीवी पे उनके प्रोग्राम को देखता हूँ। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुहतरमा तमीम जहान साहब आपके ख्याल के लिए और शुरू के जहाज से एडवोकेट सैफुल मलूक साहब के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्होंने इशारा किया था कि आप सब थके होंगे और उनकी दुरुस्ती अब तो खैर कुछ लोगों को हम उधर खाने पीने की उनकी तरफ भी देख रहे हैं शायद कुछ भूख भी लगी हो कुछ लोगों को। लेकिन सिर्फ बड़े मुख्तसर दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो इशारा मोहतरम सैफुल मलूक साहब ने किया वो उनके तजुर्बे से की बात है। वो स्ट्रगल जैसे हमसे पहले लोग जो स्ट्रगल का हिस्सा रहे खासतौर पर वो शख्सियत और वस्ती जिसकी याद में आज हम ये दिन मना रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं और हमारे मस्जिद मुझे उनसे मैं एक यंग बिशप था और मेरा उनके साथ थोड़ा सा ताल्लुक रहा। लेकिन दिन कह रही है हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तो मैं क्योंकि अभी नया नया बिशप बना था तो मेरे साथ बैठे हुए थे मुझे अपनी खुदी से बात है बिशप स्पीक अप बिशप स्पीक अप चुप रहने से कुछ नहीं होता। और ये वाकई मैं समझता हूं कि यहां पर जैसे सैफुल मलूक ने भी कहा कि हमें प्रैक्टिकल तरीके से इस मैदान में कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। उनकी बिशप जॉन जोसेफ की जो कुर्बानी है हमें याद रहेगी और हम सब ने अपने आप को जहनी और फिक्री तौर पर अपने आप को तैयार करेंगे कि हम अपने मुल्क के लिए सिर्फ लाजमी लॉ के लिए नहीं लेकिन अपने मुल्क के लिए और उन सारे कानून के लिए जो हमारे मुल्क को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमें ये दिखाते हैं कि हम एक नॉर्मल मौजरा नहीं है। हमें उनके खिलाफ लड़ना है और कोशिश करनी है कि हम कायदे आजम के विजन को जो भी ब्लर हो चुका है जिसको हम भूल चुके हैं जिसको हम स्पीचेस में यहाँ पर बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आता हमें उसको वापस लाने की जरूरत है। शुक्रिया।